हर एक फाइनेंस फील्ड में आपको छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज करनी चाहिए और एक हर एक इनकम सोर्स को आपको बजट के हिसाब से खर्च करना चाहिए और आपके आउट इनकम कहाँ जा रही है, इनकम कहाँ से आ रही है, उस पर थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है। और जो आपकी जो इनकम आ रही उससे थोड़ी सेविंग करके रखनी, आपको सेविंग करनी चाहिए। जो आप भले आप कुछ भी इन्वेस्ट कर रहे हो या कुछ भी आप किसी चीज़ में प्रॉपर्टी या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो कर सकते हैं, पर आपको अपनी जो इनकम है उसकी 50% इनकम आपको रखनी चाहिए जो आप अपने इन्वेस्ट कर सकें। हर कोई भी फील्ड हो उसके, आप मैं नहीं बोल सकता हूँ किसी फील्ड में करो, मैं और 50% आपके जो यूज़ कर सकते हैं आपके घर खर्चे, मकान, रेंट या स्कूल कॉलेज फीस में आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी इनकम है उसमें 50% आपको सेविंग करना चाहिए जो आपके जो आने वाले समय में आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकती है आपकी सेविंग। जो हर एक US नागरिक है वो अपनी इनकम पहले खर्च करने से पहले वो पहले सेविंग करते हैं और उसमें से इन्वेस्ट करते हैं। और अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग जो इनकम आती है उसको पहले जो किस किस को बाकी है पेमेंट उसको देने के लिए बोलते कि मेरे को उसको पेमेंट देता है देना है। और इन US में ऐसा नहीं है कि जिसे पेमेंट आए कि वो सोचते कि मैं इन्वेस्ट करूँगा इस चीज़ में, उसके बाद में जो भी मेरा कोई भी क्लाइंट है मेरे को पेमेंट देना तो मैं बाद में दूंगा। इंडिया में ऐसा है कि मेरी सैलरी आए, मेरे इससे मेरे राशन वाले का पैसा बाकी तो उसको देना, तो वो पहले पैसा उनको देंगे। इंडिया में लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि धीरे धीरे अभी ग्रोथ हो रहा है इंडिया में भी, ऐसा नहीं कि नहीं। तो हाल फिलहाल में इंडिया में भी सब समझने लगे हैं कि इन्वेस्ट करना, हर एक अलग अलग फील्ड होती है, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको जिस चीज़ में अच्छा नॉलेज हो उन अच्छी आपकी आपको लगे मैं इस चीज़ में इन्वेस्ट करके मैं इनकम जनरेट कर सकता हूँ, आप उसमें अच्छी तरह से कर सकते हो। तो इसमें कोई मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप इस चीज़ में इन्वेस्ट करो, आपको जिस चीज़ या फील्ड या नॉलेज या हो आप इसमें करो, पर आपको हमेशा अपनी पूरी सैलरी खर्च नहीं करनी चाहिए, उसमें से कुछ सेविंग बचा कर इन्वेस्ट भी करना चाहिए।